शिवराज मंत्रिमंडल से अंततः मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफा दे दिया। दोनों विधानसभा उपचुनाव हार चुके हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफे अपने सिफारिश के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मंजूर करने के लिए भेजेंगे। मंत्री इंदर सिंह कंसाना का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में शिवराज सरकार के 3 मंत्री पराजित हुए थे। इनमें कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने अगले दिन ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया था। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी और राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया संगठन में अपनी बात रखने और फिर इस्तीफा देने की बात कह रहे थे। पिछले दिनों भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता भोपाल आए थे, तभी तय हो गया था कि दोनों मंत्री इस्तीफा देंगे। दंडोतिया ने बताया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री इमरती देवी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री की इच्छा है वे इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा मानना और ना मानना, स्वीकार करना ना स्वीकार करना, मानी जब हमारे भाई साहब शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जब मैं उनसे आप बात कर लेना। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।